हेलो दोस्तों, सॉलिडवर्क के इस वीडियो लेक्चर में मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम रेक्टेंगल टूल और स्लॉट टूल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं और हमें फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करके उस पर रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देख, हमने क्लिक की और दूसरे क्लिक से रेक्टेंगल टूल बना लिए। स्केच से एग्जिट हो जाते हैं और नॉर्मल व्यू पर उसे ले लेते हैं। देख सकते हैं रेक्टेंगल टूल की मदद से हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया है। दूसरे रेक्टेंगल को हम एक्सप्लोर करते हैं जिसमें है कॉर्नर रेक्टेंगल। यहाँ पर सॉलिडवर्क में 5 टाइप के रेक्टेंगल टूल दिए गए हैं जो कि हम अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने ड्रॉ किया वो सेंटर रेक्टेंगल था। अब हम कॉर्नर रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल में हम शुरू में से ही अपना पॉइंट को डिफाइन करके एंड तक ले जाते हैं, यानी कि जब हम अपनी पहली क्लिक करते हैं वहाँ से हमारा रेक्टेंगल स्टार्ट होता है और जहाँ हम दूसरी क्लिक करते हैं वहाँ हमारा रेक्टेंगल ख़त्म होता है। इसी तरह से ये है तीसरे थ्री पॉइंट रेक्टेंगल टूल, यानी कि 3 कॉर्नर वाला, जिसमें हम पहले कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, दूसरा कॉर्नर उसका डिफाइन करते हैं और फिर वो वहाँ से स्टार्ट होता है और हम तीसरे कॉर्नर पर रेक्टेंगल को ख़त्म करते हैं, यानी कि ये 3 कॉर्नर रेक्टेंगल हो गया। उसमें चौथा टूल है थ्री सेंटर रेक्टेंगल, यानी कि 3 पॉइंट वाला सेंटर रेक्टेंगल है। यहाँ पर हम एक क्लिक की दूसरे क्लिक पर और जैसे ही हम उसे छोटा या बड़ा करते हैं देख सकते हैं जिस पॉइंट में हमने क्लिक किया था और जिस पॉइंट पर हमने छोड़ा था वो वहीं से स्टार्ट और शुरू हुआ है, लेकिन हम इसकी साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं। आखिर में जो है वो पैलाग्राम जो जिसकी मदद से भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पहला क्लिक किया, दूसरा, तीसरा, यानी कि उसे किसी भी एंगल से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सी क्लिक करके उसे हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ हमारा रेक्टेंगल टूल देख सकते हैं आसानी से ड्रॉ हो रहा है। तो ये थे रेक्टेंगल के 5 टाइप्स। अब हम स्लॉट क्या थे, स्ट्रेट स्लॉट, इनकी सीधा स्लॉट, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, दूसरे में छोड़ा और आप देख सकते हैं ड्रॉ स्लॉट ड्रॉ हो गया है। ये था पहला स्ट्रेट स्लॉट। दूसरा करते हैं सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, इसकी मदद से हम ये ऐसे ही स्लॉट को ड्रॉ करेंगे, पर इसमें फ़र्क इतना है कि ये सेंटर पॉइंट में से पिक करेंगे। यहाँ पर हमने ड्रॉ किया और छोड़ा, अब आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जहाँ पर हमने अपना दूसरा क्लिक छोड़ा था ये उतने में ही ड्रॉ हुआ है, यानी कि दोनों साइड सेम साइड से ही ड्रॉ हुआ है। तीसरा है थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट, यानी कि 3 पॉइंट वाला, जिसमें हमने ये पहला क्लिक किया, ये दूसरा क्लिक किया और तीसरे में इसे छोड़ देते हैं। देख सकते हैं ये छोटा बड़ा हो रहा है। तीनों ही पॉइंट पर जहाँ पर हमने क्लिक किया था ये वहीं से शुरू होकर तीसरे पॉइंट पर ख़त्म होकर हम इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और ये सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, ये चौथा जो है वो सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, इसमें हमने ये क्लिक किया, ये दूसरा क्लिक, क्लिक छोड़ा, यहाँ पर हमने लिया और देख सकते हैं सेम 3 आर्क पॉइंट के तो हुई, लेकिन ये सेंटर में, और ये सेंटर में नहीं है जहाँ से हमने क्लिक किया था और छोड़ा उसके बीच में हुआ, जबकि इसमें हमने जहाँ से सेंटर में से क्लिक किया और तीसरी क्लिक पर जब हमने छोड़ी वहाँ से ही ये स्टार्ट और ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, ये इस वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमारे YouTube चैनल पर आइए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।